चलो बच्चों, आज हम 18th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि जो रोम्बस है, ठीक है, इसमें डायग्राम गिवन नहीं था, मैंने खुद से अभी बनाया है ये। तो ये कह रहा है कि एक रोम्बस है जिसके डायगनल्स है 30 और 40, और इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ये इसकी बाउंड्री, बाउंड्री ये निकालना है, ठीक है। जब मैं मेंसुरेशन कराऊंगा तो मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है, सारे डिटेल इंट्रोडक्शन में अच्छे से दूंगा। अच्छा, पैरामीटर मीन्स इसका ही बाउंड्री पार्ट, ठीक है ये। ओके, अब ए सी मेरे को, मैंने ले लिया ए सी, मैंने ले लिया 30, और बी डी ले लिया मैंने 40, ये पूरा 40, ठीक है। अच्छा, ये पूरा 30 है और ये पूरा 40 है। अच्छा, जो रोम्बस है ना, देखो बीच में इक्वल हाफ्स में कट रहा है, तो अगर ये पूरा 30 है तो ये हो जाएगा मेरा 15, ये भी हो जाएगा मेरा 15, और ये बी डी है मेरा 40, तो ये हो जाएगा मेरा 20, और ये भी हो जाएगा मेरा 20, क्योंकि इक्वल हाफ्स में काट रहा है ये, ठीक है। तो मैं अगर इससे अब इसका हाइपोटेनियस निकाल लूँ, देखो मैं इसको अलग बना देता हूँ। ये रोम्बस का एक पार्ट ले लिया मैंने, ये 15 है, ये 20 है, और अगर मैं एक निकाल लेता हूँ तो देखो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो रोम्बस की अगर सारी साइड इक्वल होगी तो आराम से मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। तो देखो अब करते हैं ऐसे, तो अब हम करते हैं ऐसे, तो अब इसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हाइपोटेनियस में लिख देता हूँ इस पर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया मेरा हाइपोटेनियस है, मेरा हाइपोटेनियस ही रहने देता हूँ। परपेंडिकुलर है मेरा 15 का स्क्वायर और बेस है मेरा 20 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 15 का स्क्वायर होता है 225, और 20 का होता है 400, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो होता है 625, और एच हाइपोटेनियस आ जाएगा मेरा। हमने इतने क्वेश्चन कर लिए तो अब तो हो ही सकता है कि आप लोग कर लो। तो हाइपोटेनियस आ गया मेरा 25, तो ये मेरा 25। तो अब देखो हाइपोटेनियस मेरा 25 हो गया, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। तो देखो 25 25, 50, 45, 100। तो जो मेरा पैरीमीटर है, पैरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू ए होता है ना, तो 4 इंटू 25, तो ये हो जाएगा मेरा 100 सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट करते हैं, है ना।